जी राम राम, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? तो ये वाला वीडियो जो है, जब हम गुजरात से वापस आए थे तो दिल्ली एयरपोर्ट का है, और वहाँ से हमें लेने कौन आया था, आगे पूरा वीडियो देखिएगा। मैं ठीक हूँ और ये है दिल्ली का हवाई अड्डा। यहाँ से हमें ले गए थे निर्जा दीदी, बता दूँ मैं आपको। और हमने बहुत इन्जॉय किया, दूसरे दिन का भी है, बहुत मस्ती करी। दीदी के घर का भी है थोड़ा सा वीडियो, तो पूरा वीडियो देखिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। और इसमें आपको बहुत कुछ, दिल्ली की सैर भी करा रहे हैं हम आपको। रात का टाइम है, अभी 11-12 बजे आए थे दिल्ली दीदी हमें लेने। तो ये देखो, हमें एयरपोर्ट पे लेने दीदी आ चुके हैं। हेलो दीदी, हाय कर लो सबको। सब बढ़िया है, बहुत मजा आया दीदी। मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। और यहाँ पे मतलब अंदर तो हमने बहुत कम शूट किया ना, जहाँ पे मना करे हम करते नहीं। और देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से निकले और यहाँ पे दीदी। Yeah, always put the seat belt on. Okay, मैं भी लगा लूँ आगे को भी जरूर। ये देखो दीदी गाड़ी भी चलाते हैं, ये देख सकते हैं आप। और दीदी ने मेरे को आगे बिठा दिया। ये देखो, तुम ट्रक डर चलवा लो यार, ट्रक चला लेंगे। क्या बात है भाई, दिल्ली वाले वाकई में किसी से कम नहीं। पर दीदी हिमाचल की है, मैं आप लोगों को बता दूं। दीदी हिमाचल की है। मैं ट्रक चलाती हूँ, वो ईंट रख के नीचे। वो भाई। और ये देखो हमने छोड़ दिया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट छोड़ दिया यहाँ पे। ये देखो दिल्ली का हवाई अड्डा तो बहुत बड़ा है दी। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे साफ सफाई की लगी है, इतना सभी कहीं पे वो नहीं दिखेगा है ना। हाँ। और दीदी बता रहे थे कि ये तो सिर्फ एक पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ इंडिगो की फ्लाइटें उतरती है, बाकी अभी 2 पार्ट और है ऐसे ही। तो फिर कभी आएंगे जरूर दिल्ली स्पेशल, आएंगे दीदी से घूमेंगे दिल्ली में। हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं अभी तो जाने नहीं दूंगी बच्चों। अरे नहीं अभी तो तुम रुको। और बता दीदी एक बात, जब तूफान होता है ना तो बीच में कई बार एयर पॉकेट्स आती है, एयर पॉकेट उसके लिए। एली है ना, वो क्रिश्चियन है ना। अच्छा। तो फिर मैं आज अपने कामों में बिजी रही बहुत ज्यादा, भूल ही गई थी। तो अभी फिर मैंने लाला के बेटे को बोला यार एक केक पहुँचा दे अपने यहाँ पे। हिमाचल तो उधर है शर्मा। ओ भाई मेरे आगे से ही निकलो तुम, अभी मैं ध्यान से रोक के चल रही हूँ, फिर निकलो बस यहाँ पे आ। अच्छा वो वहाँ पे गांधी जी गुजरात में ढूंढते रहे, इनको ये मिले, यहाँ पर मिल गए। दिल्ली में आके वो आपने भी ली थी ना, याद है? इधर पर है ये, नहीं सामने। अच्छा। हमने वेरी गुड है। फिर मैं फिर बाद में बोलता ये रहा। हाँ अभी मैं रुकती हूँ साथ में, वो बहुत लोग है साथ में। हाँ वो ये वो डांडी यात्रा है, चलो आपको जाके लेना है तो ले लो। ले लिया मैंने, लेना है क्या? ले गया? हाँ इसमें आ गया। आ गया पक्का? हाँ पक्का। अच्छा ये मतलब मेरे को फिर एक्सप्लेन करना है इसको बाद में। हाँ। डांडी यात्रा के लिए जब गए थे तो उस टाइम का है ना। हाँ। एम्बेसीज के जो कर्मचारी होते हैं, उनके जो एम्बेसी के लोग होते हैं उनके बच्चे को ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। इस बिल्डिंग के पीछे कहीं मतलब बीच में कहीं वो गाड़ी में एक गाड़ी की कितना बंद है ये अमरीकी दूतावास। हाँ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है और ये ब्रिटिश एम्बेसी है। ब्रिटिश पूछा है। अच्छा दीदी वहाँ पे इनके देशों में भी होगी हमारे और। हाँ अच्छा बिल्कुल। फिर इनकी जो यहाँ लाट लगा दी हमें खाना पर। नहीं मैं आपके हाथ अपने हाथ का अभी खिला दूंगी, दिल्ली घूमो। ये अकबर होटल है, ये भी बहुत पुराना होटल है। अच्छा अकबर होटल है। है क्योंकि ये राजे महाराजे दिल्ली पे आके कब्जा करते हैं सबसे पहले, है ना? अकबर हो गए, मुगल शासक जितने भी थे। अभी
अरे शुक्ला भाई जी आप भी ऑन कर लो अपना कैमरा। अच्छा अच्छा बना ले यहाँ पे। ये है सारा शुरू हो गया प्रधानमंत्री का घर। यहाँ पे रहते हमारे मोदी जी। हाँ यहाँ से संभालते हैं पूरा इंडिया। अच्छा प्रदर्शनिया यहाँ पे लगती है वो। पर लगती है okay. अभी आजकल यहाँ पर उसकी लगी हुई है फूड की। फिर लोगों को वहाँ पर आके बोलते हैं कि यहाँ पर आके वजन का अच्छा टिकट लगा देते हैं। आपका गला खराब हो गया? मेरा गला कब से खराब है? जब से कोविड हुआ है। ठीक ही नहीं हुआ। अच्छा दीदी बारिश के टाइम पे ये नदियों का ऊपर हो जाता है फ्लो थोड़ा बहुत बढ़ता है कुछ? हाँ बढ़ता है कई बार तो फ्लड लेवल पे भी आ जाता है। फिर जो इसके आसपास इनके घर है उनका उठा देते हैं? नीचे खेत ही हैं थोड़े से वो रिवर बेड पे बस। अच्छा कुछ नहीं है। पहले होते थे लोग पहले से इसका लिगामेंट्स भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। ओहो और ये देखिए यहाँ पे आते ही भैया ने सबसे पहले हमें सैनिटाइज किया संजय भैया ने और हमारे बैग भी हाथ भी हमें पूरे सैनिटाइज करा। फिर हम घर के अंदर एंटर हुए तो अभी रात का टाइम है 12 बज गए थे। हाँ 12 बज गए थे और ये लोग जाग रहे थे और पूरी रात जागते रहे हमारे लिए और खाना भी बनाया था हमें। तो अभी बस मैं इतना सा ही शूट करूँगी फिर मैं आपको ना क्योंकि मैं थक भी बहुत चुकी थी और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन था। तो चलो अभी आपको मिलते हैं दूसरे दिन लंच पे। तो ये देखिए यहाँ पे देखो क्या क्या बनाया था। ये क्या बोला था दीदी ने इसको कि क्या है ये मैं तो भूल गई। अब नीरजा दीदी कमेंट करके बताएंगे कि क्या बड़े पता नहीं क्या था मैं भूल गई। और यहाँ पे दीदी है हमारे ये देखो और ये यहाँ पे था वो क्या बोला डोसा इतनी और ये खांडवी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने खाई ना सच्ची में बहुत मन खुश हुआ। नई नई चीज़ें खिलाई हमने दीदी के घर में खाना खाया। मतलब एक दिन जिस दिन हम यहाँ से गए उस दिन भी कुछ और था। फिर दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट पूरे बैग भर के दिए और फिर हम आए जिस दिन रात को भी इन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया था। वो मैंने शूट नहीं करा बहुत थकी थी। और ये फिर 17 तारीख दिन का है। हाँ क्योंकि सारा को शाम को हम वापस आए थे। पूरा दिन हम दीदी के घर में ही रुके। दीदी तो बोल रहे थे कि 2-3 दिन रुकना है लेकिन फिर घर भी आना था ना काम भी था घर में काम भी लगा हुआ था तो हमें आना पड़ा। मैं नेक्स्ट टाइम कभी ज़रूर जाऊंगी दिल्ली और फिर दीदी के पास रुकेंगे। और ये देखिए मतलब इतना किया ना सच्ची मैं क्या बोलूँ बहुत बहुत ज़्यादा सेवा हमारी करी दीदी ने बहुत रिस्पेक्ट करी। ये सोच रहे थे पता नहीं क्या क्या बना के खिला दूँ। ये नारियल की चटनी है और खांडवी इतनी अच्छी बनाई थी ना। और दीदी खुद ना बहुत कुकिंग मतलब बहुत बड़े कुक है और इनको ना अवार्ड भी मिला है कुकिंग में। तो ऐसी ऐसी चीज़ें दीदी बनाते हैं और साथ में ये देखो लस्सी थी क्या था तो हमने बहुत खाना खाया वहाँ पे। ये देखो कितना अच्छा बना है लगता है ना कि जैसे पता नहीं होटल से मंगवाया। इन्होंने अपने हाथ से बनाया है सारा खाना हमारे लिए। ये डोसा है मेरे ख्याल हाँ डोसा ही है मैं तो भूल भी गई हूँ तो वीडियो मेरे पास अभी थे मैंने कहा मैं धीरे धीरे करके डालती रहूँगी है ना।
तो चलो अभी आपको बिल्लू से मिलाते हैं। दीदी ये नहीं, ये कुछ और नस्ल का बिल्लू है, ये जैसी हमारी बिल्ली है वैसा नहीं है, ये नॉर्मल बिल्लू नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये तो कितना प्यारा, इसकी आंखें देखो कितनी सुंदर है। इधर आ लो मीमू, मीमू इसको बुलाओ, देखता लग नहीं है, अपनी प्यार सुनती है। पर जैसे आ जाओ, मैं देखो आपको आपको पूरा वो ले रहा है जायजा आपका। वो प्यार दे रहा है, प्यार है। हेलो देख, अरे सच्ची में देख देख देख, क्योंकि ना घर में भी बिल्लियों की ये ज्यादा केयर करते हैं। कितना सुंदर है गिरजा, सीन देख इधर क्या है। भाई दीदी इधर आ जल्दी, मेरे को बोल रहे हो? हाँ आपको बोल रहे हैं। देखो क्या बढ़िया सीन हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, मीमू जाके हमारे मीमू को देख लो। आंटी पसंद है अभी पता है भैया, इनके अंदर वो चीज होती है कि हमें कौन प्यार करता है सच्ची में, मजाक नहीं। और फिर ये चले गए थे हम दीदी के मतलब निचले वाला जो फ्लोर था वहाँ पे, और यहाँ पे दीदी के मम्मी डैडी रहते हैं, दीदी के साथ ही रहते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि अलग है, लेकिन वो नीचे रहते हैं, दीदी ऊपर वाले मंजिल में रहते हैं। तो ये देखो इनका जो फर्नीचर था ना, मैं इसका सारा फोटो खींच के ले आई हूँ, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल यूनिक लगी, बिल्कुल अलग लगी। डाइनिंग टेबल देख लो इनका, ये सारा सामान 40-45 कोई 50 साल पुराना है, और काफ़ी बुजुर्ग है दीदी के मम्मी पापा, तो अंकल आंटी मुझे बहुत मानते हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, भगवान उनको सेहत बख्शे। आप सभी भी प्लीज़ उनके लिए दुआ करना, और दीदी के लिए भी, भैया के लिए भी। और इनकी एक बेटी है जो इंग्लैंड में रहती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे, उनकी पेंटिंग बनाई है किसी फ्रेंड ने। तो ये फर्नीचर देखिए आप, मेरा इस पर बहुत फोकस था, मैंने बोला इसकी तो मैं वीडियो बनाऊँगी। कुर्सियों का डिज़ाइन देखिए आप किस तरह का है, यूनिक चीज़ है बिल्कुल, मतलब पुराने टाइम में ऐसी चीज़ें होती थी और बड़ी आरामदायक होती थी ये चीज़ें, देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी। और ये संजय भैया हैं, और सामने ना, और एक यहाँ पे ना इसी घर में, ये दीदी का ही है, तो इसी घर में एक वो भी है मीमू, यहाँ पे बैठा है। दीदी के बिल्लू का नाम है मीमू, और कुत्तू का नाम है मनसुख, नहीं फनसुख कुछ ऐसा मैं भूल गई। तो ये देखो कितना प्यारा फर्नीचर है यहाँ पे, कितना प्यारा टेबल है, लकड़ी की सारी चीज़ें, और ऐसी लकड़ी तो आजकल मिलती भी नहीं है। और ये वाले आगे वाले गणपति बप्पा जी हैं, ये दीदी ने बनाए, दीदी ने खुद अपने हाथों से बनाई करी है ये पेंटिंग, ये देखो बनाई है ये, तो ये देखो। और मतलब ऐसा ही ऊपर वाला फ्लोर भी, और फिर अगला वीडियो भी आएगा दिल्ली का, दीदी ने जो मतलब टेरिस गार्डन बनाया ना ऊपर छत पर, मैं हैरान हो गई। और ये देखो ये दीदी की बेटी, मतलब ये वो ना डांसर है, तो ये इसकी फ्रेंड ने, एरिका नाम है इसका, एरिका हाँ, तो ये इस एरिका की फ्रेंड ने बनाई है कि दीदी की फ्रेंड ने बनाई है ये वाली पेंटिंग। देखो पुराने टाइम में होती थी ना ऐसी, इस घर में आके ना, निचले वाले घर में आके ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम पुरानी सदा पुराने टाइम में चले गए, राजा महाराजाओं के टाइम में ना होता, जैसे हम सीरियल देखते हैं सेम वही दीवारों पर वैसी पिक्चरें लटकी होती हैं, वैसी पेंटिंग्स होती हैं। तो ये भाई वाकई में सलाम है, सैल्यूट है इस कलाकारी को, सच्ची में दिल से बोल रही हूँ। और बस मेरा जो आज का वीडियो था यहीं तक था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा दीदी ने हमें प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, भगवान बस उनको स्वस्थ रखे, मैं यही कामना करती हूँ। और यहाँ मीमू लेटा हुआ था, अभी नीचे आ गया था ये। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, फर्नीचर कैसा लगा आपको, पेंटिंग कैसी लगी, दीदी की बनाई हुई पेंटिंग कैसी लगी, और दिल्ली का नाइट का सफ़र जो हमने आपको दिखाया, मैंने जो जो भी जगह वो कैसी लगी ज़रूर बताना। और भगवान करे आप सबको बहुत खुश रखे, भगवान माता रानी आप सबके सपने पूरे हों, आप बच्चों के सपने पूरे हों, आपके बच्चों के, आप जो बनना चाहते हैं वो ज़िंदगी में बने। लास्ट में जय माता दी, राम राम।